औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में आज एंटी माफिया अभियान के तहत आज फिर बड़ी कार्रवाई की गई। कांग्रेसी नेता द्वारा किए गए अवैध रूप से कब्जे की गई उद्योग विभाग की जमीन को अतिक्रमण से हटाया गया। कांग्रेसी नेता का आरोप राजनीतिक द्वेष के कारण यह कार्रवाई की गई। वहीं मौके पर पहुंचे सीएसपी तरुणेंद्र सिंह बघेल ने बताया कि शहर भर में माफिया अभियान जोरों पर चलाया जा रहा है। खासकर सफेदपोश माफिया जो कंबल में घुसकर घी पीने का काम कर रहे हैं, उनकी कुंडली निकालकर उन पर लगातार ऐसी कार्रवाई की जाएगी। पीथमपुर में यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। डॉक्टर हिरोले पर 8 अपराध पंजीबद्ध है। एसडीएम मीडिया को बताया कि माफिया अभियान के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। डॉक्टर हिरोले द्वारा यह अवैध अतिक्रमण किया गया था, जिसका नोटिस उन्हें दिया गया, लेकिन उन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया, इसलिए उन पर यह कार्रवाई की गई। आगे भी एक बड़ी कार्रवाई होने वाली है, जो कि माफिया का अभियान का हिस्सा होगी। भारतीय न्यूज के लिए पीथमपुर से कामिल मेहर की रिपोर्ट। ये हेमंत हिरोले, इनके द्वारा कब्जा किया था। ये एटीएम की भूमि है और लगभग 15,000 स्क्वायर फीट में इनके द्वारा अतिक्रमण कराया गया था। अभी हमने 4 से 5 झोपड़ियाँ जो मकान नुमा बनाए थे, और बताया जा रहा है कि इसका बकायदा वो किराया भी वसूल करता था। सर, उनका यह कहना है गरीबों के आशियाने तोड़े गए, मेरा कब्जा नहीं था, उनका ऐसा आरोप। नहीं, वो तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन चूंकि हम रिकॉर्डेड जो बात कर रहे हैं, चूँकि एकेवन से विधिवत नोटिस भी दी गई थी और एकेवन के द्वारा ये निवेदन करने पे हम लोग आज कार्रवाई कर रहे हैं। सर, जो माफियाओं पे कार्रवाई हुई, उसी प्रकार की कार्रवाई? बिल्कुल बिल्कुल, माफिया के विरुद्ध ही कार्रवाई जैसे हो रही है वैसी ये कार्रवाई है, और अभी हम और भी चिन्हित कर रहे हैं, बहुत जल्दी हम लोग एक बड़ी कार्रवाई भी करेंगे। सर, किस पर? हेमंत हिरोले के विरुद्ध पीथमपुर के विभिन्न थानों में 8 अपराध पंजीबद्ध हैं, उसका जिला बदर भी पेश किया गया है। ये शासकीय भूमि AKBN की जमीन पर अतिक्रमण किया था, जिसको आज हटाया गया। तो कितनी भूमि हुई लगभग? ये कम से कम 16,000 स्क्वायर फीट के आसपास जमीन है। अच्छा, इस पर कब्जा कर रखा? हाँ। ये उनका सर आरोप ये है कि प्रशासन द्वारा 24 घंटे पहले ही नोटिस दिया गया। आपको मालूम है कि सफ़ेद पोश माफिया, माफिया गुंडों के खिलाफ अभियान जारी है और ये अभियान जारी रहेगा। तो पूर्व में भी कल्लू नामक व्यक्ति के उसके ऊपर भी कार्रवाई की गई थी, उसी प्रकार ये कार्रवाई है सर? बिल्कुल उसी प्रकार की कार्रवाई। कई और लोग भी होंगे सर इसके बाद? अभी अभी और के की जो कुंडली है खगाली गई है, और राजस्व विभाग को, नगर पालिका को, AKBN को जानकारी दी गई है, और लोगों को भी नेस्तनाबूद किया जाएगा। Subscribe now to most exciting channel ever.